हिंदू धर्म को शर्मसार किया है, उन्होंने भाई और बहन के रिश्ते को शर्मसार किया है, वो हिंदू कहलाने के लायक नहीं है, उन्होंने हमारे हिंदू धर्म को शर्मसार किया है। तो ऐसे और इसके पीछे रीजन ये है सर कि जो हमारा मुख्यमंत्री है वो खुद बलात्कारी है। 2013 में श्रीकांत दुबे जी को झारखंडियों का संयम का अब ज़्यादा परिचय नहीं लेना चाहिए, और नहीं तो इनको झारखंड की जनता अच्छा सबक सिखाने का मूड बना चुकी है। जिसके रिश्ते इतने गंदे हैं, जो अपनी बहन से शादी किया है और वो दूसरे को बलात्कारी कहता है, देश में उसको कहने का कोई अधिकार नहीं है। और ऐसे व्यक्ति जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर माननीय सांसद निशिकांत दुबे ने जो आरोप लोकसभा में लगाया है, मुख्यमंत्री को बलात्कारी कह दिया जा रहा है, क्या कहना है इस पर आपको? देखिए, निशिकांत दुबे जी के बारे में क्या कहना है, उनके बारे में पूरा लोकसभा क्षेत्र उनका और पूरे झारखंड की जनता जान रही है कि निशिकांत दुबे जी का चाल चरित्र और चेहरा क्या है। निशिकांत दुबे जी को खुद अपने गिरिबान में एक बार झांक लेना चाहिए कि उन्होंने हिंदू धर्म को शर्मसार किया है, उन्होंने भाई और बहन के रिश्ते को शर्मसार किया है, वो हिंदू कहलाने के लायक नहीं है, उन्होंने हमारे हिंदू धर्म को शर्मसार किया है। तो ऐसे व्यक्ति से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? जो व्यक्ति अभद्र हो और जिसकी भाषा हमेशा अभद्रता से पूर्ण हो, वैसे व्यक्ति से क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये क्या बात करेंगे? ये कभी हमारे दिशम गुरु शिबू सोरेन जी के बारे में बोलते हैं, ये कभी हमारे हेमंत सोरेन जैसे पवित्र नेता के बारे में बोलते हैं जो आज गरीबों के और सभी वर्गों को लेकर साथ चल रहे हैं। ये निशिकांत दुबे जी को झारखंडियों का संयम का अब ज़्यादा परिचय नहीं लेना चाहिए, और नहीं तो इनको झारखंड की जनता अच्छा सबक सिखाने का मूड बना चुकी है। निशिकांत दुबे जी एक खुद ही बेकार के लोग हैं, इनकी भाषा गंदी है और ये सांसद कहलाने के लायक नहीं है, और ये हिंदू हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए निशिकांत दुबे जी को अपने इस गलत बयानबाजी से बाज आना चाहिए, अन्यथा झारखंड की युवा इनको कालिक पोतने का काम करेगी। अच्छा, एक लड़की का पहले वीडियो भी वायरल हो रहा था कि लगातार निशिकांत दुबे और बाबूलाल मरांडी दबाव बना रहे हैं, उसकी जान खतरे में है, एक लड़की को लेकर के जो मुंबई की है, और उसी पर वो आरोप लगाता है कि उसी का साथ कुछ बलात्कार जैसा कह सकते। नहीं 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 नहीं, ये प्रोपगेंडा है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि ये नेताओं को पता चल चुका है कि हेमंत सोरेन की सरकार अभी 20 सालों तक हम इसको कहीं से हिला नहीं पा रहे हैं, तो कभी हेमंत के चरित्र पर सवाल उठाते, इनका प्रोपगेंडा है और ये चला रहे हैं इसको। ये कितनों प्रचार कर ले, हेमंत सोरेन जी के चाल और चरित्र पर किसी को कोई शक नहीं है। इसके पीछे क्या मकसद है ये सांसद महोदय का, क्यों आखिर इस तरह का बयान दे रहे हैं? कुछ नहीं है, कुछ तो सच्चाई होगा कहीं। जनता नकार चुकी है, जिस प्रकार हेमंत सरकार सभी वर्गों का काम कर रही है, चाहे वो पुलिस वर्ग हो, पारा शिक्षक हो, चाहे वो पेंशन हो, और तमाम तरह के लोगों को जो खुशियाँ मिल रहा है, तो भाजपा को अपना जनाधार खिसकता हुआ नजर आ रहा है। तो ये अनर्गल बयानबाजी और अनर्गल चीज़ें को लाकर हमारे हेमंत सरकार के छवि को धूमिल करने का प्रयास। का बयान दे रहा था, इसको लेकर आप लोग क्या करेंगे? नहीं, बिल्कुल हम लोग का संयम अब जवाब दे रहा है, और ऐसे सांसद का मुंह में हम लोग कालिक पोतने का काम करेंगे जो हमारे झारखंडी नेता के बारे में ऐसा बोलेगा। ऐसे नेता जो अनर्गल बयान दे रहे हैं, यदि ये संयम को जो है देख रहे हैं झारखंडियों का, यदि अपने बयान से बाज ना आए तो फिर आंदोलन रुक रुक होगा।